हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो जी देखिए, मैं नहा चुकी थी और यहाँ पे मैं अपनी पूजा के बर्तन लेके बाहर ही जा रही हूँ साफ़ करने के लिए, क्योंकि वो तो पहले साफ़ करने पड़ेंगे पूजा करने से पहले। यहाँ की मैंने लाइट ऑन कर दी है इधर, और पहले इन मंदिर के जो बर्तन है वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो पहले इनके लिए मैं निकाल रही हूँ। तो एक पॉलीथीन अलग से बना रखी है, जो मतलब मंदिर का पूजा का सामान वगैरह निकलता है ना, तो वो उसको उसमें रख देते हैं। और यहाँ पे बच्चों ने बाहर की तरफ ना ये अपना ये कूलर वगैरह ऑन करके ऐसे ही छोड़ दिया था, तो पहले इसको बंद कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे तो फिर देखते नहीं हैं कि यहाँ क्या करके हुआ पड़ा है। तो बस मैं कुछ इसी तरह से अपने काम में बिजी हूँ। वानी के साथ हंसी मजाक चल रहा है। तो पहले यहाँ पे आ गई फिर दोबारा से, और जो अपने ये बर्तन वगैरह हैं इनको साफ़ कर लेती हूँ पहले, और उसके बाद पूजा होगी। पूजा के बाद फिर और काम करने हैं, मतलब और काम क्या करने हैं मैं बताऊँ, पहले चाय बनी। हाँ, मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है, आदि भी रेडी हो चुका है, आदि को जाना है स्कूल। आदि बाहर आके वीडियो बनाएगा, जल्दी आ जा, फिर आदि से वीडियो बनवाऊंगी अपने, क्योंकि मेरा ट्राईपोर्ड बिल्कुल ख़राब हो रखा है, मतलब उससे मैं बस काम ही चला रही हूँ। उसमें अगर मैंने फ़ोन वगैरह उसमें लगा दिया, मतलब गिरने का डर है, मेरा फ़ोन तो वैसे ही ख़राब है, और भी ख़राब हो जाएगा। और बस अब पहले चाय बनेगी और दही निकाल लेती हूँ, फ्रिज में रखी है दही, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि कढ़ी बनाऊँगी। तो देखती हूँ दही कितनी रखी है, कि दो जगह रखी थी दही पहले, नहीं तो फिर पैकेट की मंगानी पड़ेगी छाछ, और उसकी बनेगी। आटा भी रखा है, लेकिन मैं कढ़ी चावल बनाऊँगी। और ये क्या है, अभी चाय भी बनेगी, मेरी चाय बनेगी। और कल मार्केट का था कि हमें कल मार्केट जाना था, लेकिन हम नहीं जा पाए थे कल, तो आज सोच रहे हैं आज जाएंगे शाम को। और आज है सैटरडे, सैटरडे कब लोग जाएगा, ये शाम को, शाम तक जाएगा या जब भी जाएगा, जैसे भी जाएगा। तो बस बच्चों को पीटीएम में जाना है, वानी चली जाएगी आदि के साथ पीटीएम, तो फिर तक मैं खाना बनाऊंगी। तो मैं ना पहले एक बार देख लेती हूँ दही का, कि दही का कैसे करना है, कितनी है, क्या है। मैं तेरा दूध बना रही हूँ, कौन दिखेगा। वानी का बना दूँ, देख लो तुझे कुछ लाना है। क्या लाएगा, बिस्कुट। बच्चों का दूध बना रही हूँ, दोनों का बना लेती हूँ यहाँ पे, और आधी वानी दोनों का दूध बनेगा। और दही, दही के लिए दही तो इतनी है आधी, बस दही तो बनानी पड़ेगी बेटा, ठीक है। और दूध यहाँ पे भी रखा है कुछ इसके अंदर, इसमें बच्चों का बन जाएगा। और मैं अपनी चाय बना लेती हूँ, और आज मेरी आधी मतलब वीडियो आधी और वानी बनाया करेंगे, क्योंकि मेरा जो ट्राईपॉड है वो बस ऐसा ही है, बस थोड़ा बहुत उसपे ना, मैं यूज नहीं कर सकती उसको, इसीलिए तो बच्चे ही बना लिया करेंगे। जब घर पे रहेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर देखते हैं कैसे थोड़ा एडजस्ट करेंगे। और बेटा पैसे उसके अंदर रखे हैं आधी, जाऊँ वहाँ से ले जा। हाँ ना, चाय के लिए रख देती हूँ पानी, मतलब दूध ही रख दिया है मैंने, अब मेरी चाय बनेगी बस। तो थोड़ा दूध इसमें ना और ले लेती हूँ, थोड़ा सा ही जाएगा। और बाकी आदि दही लेके आएगा अभी, थोड़ा सा दूध इसमें और डाल देती हूँ। अदरक नहीं है, अदरक ख़त्म हो गया है, अदरक है ही नहीं घर पे, तो बिना अदरक की चाय पीनी पड़ेगी अभी। यहाँ पर डाल दूँ मैं इसके अंदर थोड़ी सी चाय की पत्ती, चाय की पत्ती थोड़ी कमी रखूँगी, क्योंकि ये चाय की पत्ती अच्छी है, मतलब कलर बहुत अच्छा है चाय की पत्ती का, अच्छा रंग आता है। और यहाँ पे डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी चीनी, क्योंकि एक हाथ से काम पकड़ा है, तो एक हाथ से काम कर रही हूँ, तो ऐसे ही हाथ से ही करना पड़ेगा। और डब्बे हैं बेटा, डब्बे कर दो बंद, ये उठा के रख देती हूँ। और ये वाला इसमें ना कढ़ी के लिए जो बनेगा घोल कढ़ी का, तो वो इसमें बना लेती हूँ, उसको ढंग के रख देती हूँ, इसी में बन जाएगी मेरी कढ़ी। और दूध वानी का रखा हुआ है, देखो वानी अभी ऊपर से आई नहीं है, तो इसको मैं ढक के छोड़ देती हूँ, वानी आएगी तो अपना दूध ले लेगी। और ये डब्बे बंद कर देती हूँ। अभी तो चाय पकेगी, टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने यहाँ का ना थोड़ा सा फ़ैन ऑन ही है मेरा यहाँ का, और बस पहले तो चाय पिएंगे आराम से बैठ के, और उसके बाद बनाएंगे कढ़ी, और कढ़ी के साथ बनेंगे चावल। और आटा जो है वो मेरा ना लगा हुआ रखा है फ्रिज के अंदर, तो आटे की भी वो नहीं पड़ेगी मुझे, तो बस काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा अभी। और देखिए चाय यहाँ मेरी उबल चुकी है, अच्छे से उबाल आ गया है इसमें, अभी पकाऊंगी थोड़ी देर, और जब तक मैं चावल निकाल लेती हूँ, चावल ना धो के रख देती हूँ साफ करके। ए यूट्यूबर,
लड़ाई नहीं करनी वानी। पैसे ले लिए, बाय। तो यहाँ मैंने ना कड़ी देके छोक दी है अपनी, बस कड़ी में मैं नमक थोड़ा सा ना बाद में डालती हूँ, क्योंकि फिर सारा जितना भी इसका बैटर है पता चल जाता है, अंदाज हो जाता है कि भाई इसमें इतना नमक जाएगा। और कड़ी में थोड़ा सा नमक ना थोड़ा सा ज़्यादा ही रखती हूँ, मतलब थोड़ा सा अच्छा ही रखती हूँ, तभी अच्छी लगती है कड़ी। पकौड़ी बनेगी अभी तो दही की बनाई है कड़ी, दही पे ही घर पे दही जमा के बनाती हूँ मैं कड़ी। और देखिए कड़ी तो बहुत टेस्टी बनेगी वैसे तो। और सब सामान डाल दिया है, सारे मिर्च मसाले इसके अंदर। और आज ना थोड़ा सा कड़ी में हल्दी ज़्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि मैं ना हल्दी कम रखती हूँ कड़ी में, मुझे हल्दी का कलर इतना अच्छा नहीं लगता कड़ी के अंदर, थोड़ी सी कम हल्दी रखती हूँ, मतलब ज़्यादा पीली कड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती है। और देखिए इसको पहले अभी चलाना पड़ेगा, जब तक मैं पकौड़ी के लिए ना बैटर भी तैयार कर लेती हूँ, इसको पकने देती हूँ। अब मैं सो गई थी कुछ देर के लिए, मैंने कहा लेट जाती हूँ, बर्तन वगैरह सब ऐसे छोड़ के लेट गई थी। अब आदि को भूख लगी है और आदि ने बोला कि मम्मा आम लेके आओ, मैंने कहा चलो, तो मैं आदि के लिए पहले आम ले लेती हूँ। और वानी की तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब है, तो वानी को मैंने दवाई दे के ना, वानी ने खाना भी नहीं खाया और मैंने उसको सुला दिया, मैंने कहा तू तक दवाई ले कर सो जा। वानी सोई हुई है और बस मुझे ना ये आम वगैरह कट करके दे देती हूँ आदि को, मैं अभी लेट जाऊँगी उसके बाद ही करूँगी कुछ। आम कट कर लिया आदि को दे देती हूँ बाहर जाके, टीवी देख रहा है आदि। ये खाइए, क्या देखो मीठा है ना आदि, खा के बता मीठा है ना ज्योति।